राजस्थान प्रदेश नायक महासभा राजस्थान के तत्वावधान में 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार को आजाद पार्क में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नायक समाज के 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी जोड़े बैंड बग्गी के द्वारा सुभाष उद्यान से रवाना होकर सूचना केंद्र चौराहे होकर आजाद पार्क पहुंचे। बग्गी में समाज के प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल वर्मा का स्वागत किया गया। समाज के सम्माननीय व्यक्तियों में प्रदेश उपाध्यक्ष पोखरमल वर्मा, प्रदेश महामंत्री राधेश्याम नायक, जिला अध्यक्ष मनोज नायक, ग्रामीण अध्यक्ष विष्णु नायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश नायक महासभा का ये अजमेर में 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें 22 जोड़ों की शादियां आज करवाई जा रही है और समाज में फिजूल खर्ची रोकने के लिए और जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से वो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं उनको एक तरह से संबल देने के लिए ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन राजस्थान प्रदेश नायक महासभा की ओर से जिला शाखा द्वारा किया गया है। वर वधुओं का आजाद पार्क में बनाए गए पंडाल में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। विवाह समारोह संपन्न होते ही होते सूचना मिली कि समारोह के दौरान कुछ नाबालिगों का भी विवाह संपन्न करा दिया गया। जिला प्रशासन के मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर आजाद पार्क में दिन दहाड़े 4 नाबालिगों का विवाह हो गया। प्रशासन को जब होश आया तब तक नाबालिग वर वधु फेरे ले चुके थे। सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे, पर उनके पास कागजी कार्रवाई के सिवा और कोई चारा शेष नहीं बचा। हालांकि उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्र हम काफी समय से मांग रहे हैं लेकिन ये दे नहीं रहे थे, तो आज सुबह में हम यहाँ पर आए और उनको आके उनकी फाइल से ये डिटेल वगैरह निकाली और कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने इनसे दिए। उसकी जब जांच करी तो उस समय पता चला कि इनकी उम्र, ये 3-4 जो हैं बच्चे, उनकी उम्र कम हो रही है, इससे पता चला। फिर हम SDM सिटी से बात हुई। कुछ लोगों का कहना था कि प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग को पहले से ही संदेह था। विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई लेकिन कार्रवाई में देरी के कारण नाबालिगों का विवाह हो गया। प्रशासन 2 बाल विवाह तो मान रही है लेकिन 1 के सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। मामले में राजस्थान प्रदेश नायक महासभा राजस्थान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंसान ने बताया था कि भाई इस तरीके से वहाँ नाबालिग बच्चों की शादी होती है, वहाँ जाओ देखो उसको दिखवाओ। उसके बाद में यहाँ आया जी, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए उन लोगों से। 3 जो है नाबालिग थे और शादी का कार्यक्रम इनके पहले हो चुका था। मैं अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे इन खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई इसमें होती है? पुलिस FIR वगैरह कराएंगे या CDPO जो है ना आंगनबाड़ी वाले, ये FIR दर्ज कराएंगे, इन खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रवार को तीर्थनगरी पुष्कर में प्रजापति सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के तत्वावधान में आयोजित 5वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 30 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। श्री यादे देवी के मंदिर से वरवधुओं की बिंदोरी नगर भ्रमण के लिए निकले। बिंदोरी पुष्कर के मुख्य बाजारों से होकर वापस मंदिर पहुंची, जहां पर वधु पक्ष की ओर से दूल्हों का स्वागत किया गया और तोरण की रस्म अदा की गई। तोरण की रस्म के बाद सभी वरवधुओं का गुजर भवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। विवाह समिति की ओर से सभी नवविवाहित जोड़ों को घर गृहस्थी के काम आने वाले उपहार दिए गए। समाज के पदाधिकारियों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को समय की आवश्यकता बताया। सम्मेलन इसके लिए आयोजित किया जाता है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां उनको दूर करने का संदेश दिया जाता है, साथ ही जो व्यर्थ पैसा जाता है उसको बचाने का भी किया जाता है, और जो समाज के SI और कमजोर व्यक्ति है उनको भी आगे आने का मौका मिलता है, उनको भी सपोर्ट मिलता है समाज की तरफ से। और मैं सभी समाज वालों को मेरा एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी युवा लोग इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए आगे आए और आगे भी संदेश पहुँचाते रहे। हमारी समाज की ओर से 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है और आज सुबह 8:15 वहाँ दूल्हा दुल्हन को ट्रैक्टर के माध्यम से वो बिंदोड़ी निकाल के और फिर तोरण बना के और गुर्जर समाज भवन में साइड में जो राज सवाई भोज का मंदिर बन रहा है उसके सामने 30 जोड़ों का हो रहा है परिग्रहण संस्कार। हालांकि समाज के पदाधिकारियों के अनुसार 30 जोड़े ही परिणय सूत्र में बंधे लेकिन मौके पर यह संख्या अधिक देखी गई। आंकड़े छिपाने के पीछे यही कयास लगाया जा रहा है कि शायद कुछ जोड़े नाबालिग भी थे।